तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारी न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कैसे करती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट रेल होता है सबसे मेन यही होता है, इसको स्विचेस भी बोला जाता है। दोस्तों, स्विचेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है ट्रैक चेंज में, वो होती है क्लोजर रेल, जो कि एक स्विचेस का ही एक हिस्सा होता है। दोस्तों, अगला सबसे मेन पार्ट ट्रैक चेंज मैकेनिज्म का होता है स्टॉक रेल, जो कि क्लोजर रेल से दूसरे डायरेक्शन की ओर एक दूसरे से दूर होते जाता है। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रॉग, जो कि स्विचेस से आ रहे रेल को दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। इन सबको की फंक्शन, एक तरह से इनका जो मेन बॉस है वो कह सकते हैं कि स्विच मोटर होता है, यही ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता है प्लेट्स को। दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर स्विचेस लेफ्ट साइड है तो ट्रेन राइट साइड जाएगी, और स्विचेस अगर राइट साइड है तो ट्रेन लेफ्ट साइड जाएगी। दोस्तों, आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे स्विच से लेके स्टॉक रेल, हील ब्लॉक और क्रॉसिंग मिलके एक सक्सेसफुली ट्रेन ट्रैक चेंज मैकेनिज्म बनाते हैं। दोस्तों, आपको एक कमाल का फैक्ट बताते हैं कि आज से कुछ समय पहले तक इंडियन रेलवे में जब ऑटोमेटिकली सिग्नल चेंज मैकेनिज्म नहीं आया था, तो इन स्विचेस को हाथ से चेंज किया जाता था, हाथ से स्विचेस को चेंज किया जाता था एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ट्रेन्स को भेजने के लिए। अभी किसी रूट पर देख सकते हैं पुराने लीवर जो ट्रैक के बगल में रहते हैं, स्विचेस के बगल में, उनको पहले खींचा जाता था तो प्लेटें एक दूसरे से दूसरे जगह मूव करती थी लेफ्ट से राइट, तब ट्रैक चेंज होता था। बट आज ये काम पूरी तरह से ऑटोमेटिकली किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।